हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे गूगल फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन क्विज कैसे बनाएं। गूगल फॉर्म को ओपन करने के लिए टाइप करें गूगल फॉर्म्स। जैसे ही हम गूगल फॉर्म टाइप करेंगे, गूगल ब्राउजर हमें कई लिंक दिखाएगा। सबसे पहले हमें क्लिक करना होगा पहला वाला लिंक और क्लिक करें गो टू गूगल फॉर्म्स। जैसे ही हम गो टू गूगल फॉर्म्स क्लिक करेंगे, हमें गूगल फॉर्म्स का होम पेज दिखाई देगा। ऑनलाइन क्विज क्रिएट करने के लिए क्लिक करें टेम्पलेट गैलरी। जैसे ही हम टेम्पलेट गैलरी क्लिक करेंगे, गूगल फॉर्म्स में हमें कई सेक्शन दिखाई देंगे, जैसे कि पर्सनल, वर्क, एजुकेशन। हमें क्लिक करना होगा एजुकेशन और क्लिक करें ब्लैंक क्विज। ब्लैंक क्विज फॉर्म ऑनलाइन क्विज क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हम देखते हैं ऑनलाइन क्विज कैसे बनाएं। सबसे पहले यहां पर दिया गया है ब्लैंक क्विज। हम यहां पर टाइप करेंगे एबीसी स्कूल। आप अपने स्कूल या कॉलेज का नाम टाइप कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन भी टाइप कर सकते हैं। स्टूडेंट का नाम ऐड करने के लिए आप क्लिक करें प्लस सिंबल, ऐड क्वेश्चन, और यहां पर टाइप करें नेम। नेम टाइप करने के बाद हमें यहां पर सेलेक्ट करना होगा ऑप्शन शॉर्ट आंसर। हम लोग यहां पर देख सकते हैं, यहां पर है शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टी चॉइस, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन मेनू, अपलोड फाइल। सेलेक्ट करना होगा हमें शॉर्ट आंसर। और नेम जो है एक मैंडेटरी फील्ड है या कंपलसरी फील्ड है, इसलिए हमें सेलेक्ट करना होगा रिक्वायर्ड। ये हो गया नेम के लिए। स्टूडेंट के नेम के साथ साथ रोल नंबर भी जरूरी होता है, इसलिए रोल नंबर ऐड करने के लिए अगेन क्लिक करें ऐड क्वेश्चन और टाइप करें रोल नंबर। रोल नंबर, जैसे ही हम नंबर टाइप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया शॉर्ट आंसर। और हम लोग इसे वैलिडेट भी कर सकते हैं, जैसे कि रोल नंबर अगर 3 डिजिट का है तो हम लोग उसे वैलिडेट कर सकते हैं। उसे हमें सेलेक्ट करना होगा लेंथ, और मैक्सिमम कैरेक्टर होंगे 3 डिजिट। इसी तरह हम लोग नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहां पर सेलेक्ट किया है लेंथ और मैक्सिमम कैरेक्टर लेंथ। कैरेक्टर लेंथ होगा 3। और अगर स्टूडेंट गलत एंट्री कर रहा है तो हमें क्या एरर मैसेज दिखाना है। मैं एरर मैसेज टाइप करूंगा एंटर करेक्ट नंबर, और रोल नंबर भी मैंडेटरी फील्ड है, इसे क्लिक करें रिक्वायर्ड। इसके बाद हमें एक सेक्शन बनाना होगा क्वेश्चन के लिए। सेक्शन ऐड करने के लिए क्लिक करें ऐड सेक्शन, और इसका नाम होगा पार्ट 1। और क्वेश्चन ऐड करने के लिए यह है पहला वाला क्वेश्चन। चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हु इज पीएम ऑफ इंडिया। ऑप्शन टाइप करने के लिए अगेन यहां पर हम देखेंगे डिफरेंट चॉइसेस हमें दी गई हैं। पहले वाला जो है शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स। क्विज के लिए हमें सेलेक्ट करना होगा मल्टीपल चॉइस। पहला वाला ऑप्शन होगा नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ऐड करने के लिए क्लिक करें ऐड ऑप्शन, टाइप करें अमित शाह। इसी तरह थर्ड ऑप्शन हम दे सकते हैं कोई और नाम या राहुल गांधी। इसी तरह आखिरी ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं सोनिया गांधी। ये देख सकते हैं क्वेश्चन रेडी हो गया, ऑप्शंस भी रेडी हो गए। और की आंसर ऐड करने के लिए जस्ट सेलेक्ट करें आंसर की। इस सवाल का सही जवाब है नरेंद्र मोदी, सेलेक्ट करें नरेंद्र मोदी। अगर स्टूडेंट सही जवाब देगा तो उसे मिलेंगे 1 पॉइंट। यहाँ पर ऐड करें 1 पॉइंट और क्लिक करें डन। चलिए ऐड करते हैं दूसरा सवाल, क्लिक करें ऐड क्वेश्चन। यहाँ पे मैं मल्टीपल चॉइस के जगह सेलेक्ट करूंगा चेक बॉक्स। क्वेश्चन होगा आइडेंटिफाई इवन नंबर्स। देखिए आइडेंटिफाई इवन नंबर्स, इस क्वेश्चन के लिए एक से ज्यादा जवाबात या आंसर्स हैं, इसलिए हमें चेक बॉक्स सेलेक्ट करना होगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा 2, इसी तरह ऑप्शन नंबर 2 होगा 4, ऑप्शन नंबर 3 होगा 6, और आखिरी ऑप्शन होगा 9। और आंसर की पर क्लिक करें। यहां पर हम देखेंगे आइडेंटिफाई इवन नंबर, इस सवाल का जवाब है 2, 4 और 6। डन क्लिक करने से पहले अगर स्टूडेंट ये सवाल का जवाब दे रहा है तो उसे मिलेंगे 1 पॉइंट। पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करें डन। ये हो गया क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं ये क्वेश्चन या क्विज पेपर कैसे दिखता है। क्विज पेपर देखने के लिए क्लिक करें, यह है प्रीव्यू बटन, इस पर क्लिक करें प्रीव्यू।
जैसे ही हम प्रीव्यू क्लिक करेंगे ये होगा हमारा क्वेश्चन पेपर या क्विज का पेपर। हम देख सकते हैं यहाँ पर है स्कूल का नाम, स्टूडेंट को अपना नाम एंटर करना होगा और रोल नंबर। एंटर करने के बाद रोल नंबर के बाद एक सेक्शन ऐड किया है, इसलिए यहाँ पर आया है नेक्स्ट बटन, क्लिक करें नेक्स्ट। हमें यहाँ पर नाम ऐड करना होगा, रोल नंबर 3 डिजिट ही होना चाहिए और क्लिक करें नेक्स्ट। जब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हमें दिखाई देगा ये क्वेश्चन पेपर। ये तो हो गया प्रीव्यू। चलिए हम देखते हैं सेटिंग्स में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्लिक करें सेटिंग। जनरल सेटिंग में हम स्टूडेंट्स के या जो क्विज लिख रहा है उसकी ईमेल आईडीज कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स को हम सिर्फ एक ही अटेम्प्ट दे सकते हैं। और क्विजेस में है जब भी स्टूडेंट क्विज के क्वेश्चंस के जवाब या आंसर लिखेगा तब उसे रिजल्ट कैसे दिखाई दे, इमीडिएटली आफ्टर सबमिशन या सबमिट करने के फौरन बाद उसे रिजल्ट दिखाई दे या सबमिट करने के थोड़ी देर बाद या मैनुअली हम लोग रिजल्ट डिक्लेयर करें, ये ऑप्शन हम लोग एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अगर हम ये क्विज पेपर शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करने के लिए क्लिक करें सेंड। सेंड ऑप्शन में इसको शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली बाय यूजिंग ईमेल। ईमेल के जरिए हम लोग डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं या हम इस्तेमाल कर सकते हैं लिंक। यहाँ पे दिया गया है ऑनलाइन क्विज पेपर का लिंक, इसे हम यूजिंग शॉर्टन यूआरएल को इस्तेमाल करते हुए इसका साइज थोड़ा कम कर सकते हैं और कॉपी करते हुए इसे हम व्हाट्सएप के थ्रू या जूम के थ्रू या ईमेल आईडी के थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। शेयर करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन क्विज पेपर पर हम टाइमर कैसे लगाएं। टाइमर लगाने के लिए हमें एड ऑन ऐड करना होगा। एड ऑन ऐड करने के लिए क्लिक करें मोर और क्लिक करें एड ऑन्स और टाइप करें फॉर्म प्रेजेंटर। जैसे ही हम फॉर्म प्रेजेंटर टाइप करेंगे तो फॉर्म प्रेजेंटर का लिंक यहां पर अवेलेबल होगा। इसे इंस्टॉल करने के लिए डबल क्लिक करें और क्लिक करें इंस्टॉल, क्लिक करें कंटिन्यू, सेलेक्ट करें अपना ईमेल आईडी अकाउंट और क्लिक करें अलाउ और फाइनली क्लिक करें डन। जैसे ही हम गूगल प्रेजेंटर इंस्टॉल करते हैं एक बार फॉर्म को हम लोग रिफ्रेश कर लेंगे। जैसे ही हम फॉर्म को रिफ्रेश करेंगे यहां पे दिखाई देगा गूगल फॉर्म प्रेजेंटर, क्लिक करें गूगल फॉर्म प्रेजेंटर और क्लिक करें सेटअप। गूगल फॉर्म प्रेजेंटर एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन क्विज फॉर्म पर टाइमिंग सेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हम देखते हैं टाइमिंग कैसे सेट करें। गूगल फॉर्म पे हम इमेज भी ऐड कर सकते हैं। इमेज ऐड करने के लिए क्लिक करें चेंज इमेज, मैं एक इमेज सेट करूंगा रैंडम इमेज। वेलकम मैसेज भी ऐड कर सकते हैं और थीम भी चेंज कर सकते हैं। टाइमिंग सेट करने के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक है ऑलवेज एक है स्पेसिफिक टाइम। जब भी हम स्पेसिफिक टाइम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे हम टाइम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10:10 तक हम टाइम स्लॉट दे सकते हैं। इसी तरह और एक ऑप्शन दिया गया है ऑलवेज, सिर्फ हम टाइम स्लॉट सेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्विज जो है कभी भी लिखा जा सकता है या अटेंड किया जा सकता है, साथ साथ एक टाइम स्लॉट भी दिया जा सकता है। चलिए हम देखते हैं, हम देंगे 2 मिनट का टाइम स्लॉट क्विज पे। उसके बाद हम क्लिक करेंगे पब्लिश फॉर्म। जैसे हम क्लिक करेंगे पब्लिश फॉर्म एक मैसेज आ गया फॉर्म सक्सेसफुली पब्लिश्ड, लिंक कॉपी कर सकते हैं। लिंक कॉपी हो गया, अब हम देखेंगे ये ऑनलाइन क्विज फॉर्म कैसे दिखता है। ऑनलाइन क्विज फॉर्म ओपन करने के लिए दूसरे ब्राउजर पर जाएं। हमने दूसरा ब्राउजर ओपन कर लिया है, चलिए हम लिंक पेस्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिंक पेस्ट कर दिया है और प्रेस करें एंटर। जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं ये ओपन हो गया क्विज का फॉर्म। यहाँ पर हम देख सकते हैं मैंने इमेज ऐड किया था और टाइमर भी ऐड किया था। चलिए शुरू करते हैं क्विज। क्विज को शुरू करने के लिए क्लिक करें स्टार्ट। जैसे ही हम स्टार्ट पर क्लिक करते हैं यहाँ पे टाइमिंग शुरू हो गई और क्विज का फॉर्म भी ओपन हो गया। चलिए हम नाम ऐड करते हैं, नाम ऐड करेंगे, अपना नाम ऐड करेंगे। रोल नंबर सिर्फ 3 डिजिट ही होना चाहिए, अगर 3 डिजिट से ज़्यादा होगा तो एरर मैसेज दिखाई देगा। मैं नंबर एंटर करूंगा मोर देन 1 डिजिट, देखिए एरर मैसेज आ गया। हम सही नंबर एंटर करते हैं 1, 2, 3, क्लिक करें नेक्स्ट। टाइमिंग काउंटडाउन होते जा रहा है, जल्द से जल्द हमें आंसर करना होगा। हु इज़ द पीएम ऑफ इंडिया, सही जवाब है नरेंद्र मोदी।
चाहें तो सिलेक्शन क्लियर भी कर सकते हैं। आइडेंटिफाई इवन नंबर, मैं यहाँ पर गलत जवाब दूंगा, मैं क्लिक करूंगा 9 और 6, सही जवाब है 2, 4, 6 और हमें सब क्लिक करना होगा सबमिट। यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 मिनट का टाइम दिया गया था, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, करंट टाइम भी दिया गया है। एक बार हम पूरे सवाल के जवाब देंगे तो हमें क्लिक करना होगा सबमिट और यहाँ पर टाइम आउट का मैसेज भी दिया जा रहा है। क्लिक करें सबमिट। जैसे ही हम सबमिट क्लिक करेंगे यहाँ पर मैसेज दिखाई देगा, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। मार्क्स को देखने के लिए क्लिक करें व्यूज को, हमें टोटल मार्क्स मिले हैं। 2 सवाल में हमने सही जवाब 1 दिया है तो 1 out of 2। चलिए हम देखते हैं, हु इज द पीएम ऑफ इंडिया, सही जवाब है नरेंद्र मोदी। और आइडेंटिफाई इवन नंबर, सही जवाब है 2, 4, 6, हमने दिया था 6, 9, गलत आंसर, सही जवाब है 2, 4, 6। इस तरह हम ऑनलाइन क्विज बना सकते हैं और स्टूडेंट को सबमिट कर सकते हैं। जब भी स्टूडेंट ऑनलाइन क्विज के आंसर सबमिट करेगा या लिखेगा उसके बाद वो आंसर को देख सकता है। देखने के लिए टीचर को जाना चाहिए, क्लिक करें रिस्पॉन्सेस। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स का रिजल्ट चार्ट के द्वारा दिखाई देगा और स्टूडेंट्स का नाम हम देख सकते हैं, रोल नंबर देख सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट ने जो आंसर किए हैं उसके आंसर्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, स्टूडेंट्स के आंसर्स या रिस्पॉन्स को हम एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सेल शीट में ओपन करने के लिए क्लिक करें क्रिएट स्प्रेडशीट और इसका नाम हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं क्विज रिस्पॉन्स और क्लिक करें क्रिएट। जैसे ही हम क्रिएट पर क्लिक करते हैं यहाँ पे ओपन हो गई एक्सेल शीट। यहाँ पे दिया गया है स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर, क्वेश्चन और उसके आंसर्स। चाहिए तो हम, अगर आप चाहते हैं तो एक्सेल शीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें फाइल, डाउनलोड और क्लिक करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्सेल शीट डाउनलोड हो गई। ओपन करने के लिए क्लिक करें लिंक पर। इस तरह हम रिजल्ट एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं।